गाइज अगर आप सभी क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, अगर आप सभी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को फ्री में कभी कभी सोचते रहते हैं कि मैं ट्रांसफर कर लूं या तो सबसे कम चार्ज में वहीं ट्रांसफर कर लूं, तो आप सबके लिए गुड न्यूज है। गाइज अगर आप सभी पेटीएम एप्लीकेशन को भी यूज करते हैं तभी आप सबको लिए तहलका मचाने के लिए पेटीएम ने आया है और पेटीएम में बहुत बड़ा अपडेट आया है। आप सबको भी पता हुआ कि इससे पहले जो पेटीएम में नया अपडेट आया था जिसमें चार्ज के लिए अपडेट आया था और वो चार्ज कर दिया गया था टोटल 1.95 रुपया और किसी एप्लीकेशन में कर दिया गया था 2.95 रुपया। यानी अगर आपके पास कोई फिजिकल क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उस क्रेडिट कार्ड से मनी ट्रांसफर करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 1.95 रुपया टोटल 100 रुपया के ऊपर। बट अगर आपके पास कोई प्रीपेड क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है जैसे कि स्लैश क्रेडिट कार्ड हो चुका है या ऑन कार्ड हो गया है, इस कार्ड से चार्ज लेता था 2.95 रुपया। अगर आप अभी पेटीएम से अगर मनी ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट कार्ड का, तो अभी आपको 3 स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जो कि पर्सनली मेरे एप्लीकेशन में इस प्रकार का अपडेट आया है। अगर आपके पास भी इस तरह का अपडेट आया होगा तो आप मनी ट्रांसफर कर लीजिएगा। अगर आपको अपडेट नहीं आया है तो एक बार अपने एप्लीकेशन को ही अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर अपडेट कर देंगे या तो अगर आप बीटा वर्जन ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का अपडेट आपको दिखाई देगा। जैसे कहते हैं कि सबसे पहले मैं 100 का ट्रांसफर किया तो हमको चार्ज लग रहा है टोटल 1.40 रुपया जो कि इससे पहले लिया जाता था 1.95 रुपया, बट अभी कर दिया गया है 1.40 रुपया। उसके बाद मैं फिर से एक और ट्रांजेक्शन ट्रायल किया, वो किया मैं 10,000 का, तो 10,000 के ऊपर हमको चार्ज लग रहा है 130 रुपया जो कि इससे पहले लगता था 195 रुपया बट अभी कर दिया गया है 130 रुपया। यानी अगर आप ज्यादा अमाउंट पे जाते हैं ना तो आपसे चार्ज भी कम ले रहा है। अगर आप कम से कम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो आपसे बैलेंस ज्यादा लेता है। अगर आप ज्यादा अमाउंट अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट कार्ड का पर्सनली, तो आपसे चार्ज कम लिया जा रहा है। उसके बाद फिर से मैं सोचा कि चलो अभी तो मैं 100 का ट्रांसफर किए, फिर मैं 10,000 किए, अभी मैं एक बार 1,00,000 का ट्रैक करके देखते हैं कि 1,00,000 में क्या होता है। तो कहिएगा हम 1,00,000 मनी ट्रांसफर करते हैं ना तो 1,00,000 के ऊपर आपको पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है। जैसे कि अगर आप 49,999 के आगे जैसे जाएंगे 50,000 करेंगे तो आपसे पैन कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है, आपको पैन कार्ड नंबर डालना ही पड़ेगा। बट आप सबके लिए मैं डाल दिया हूँ, पैन कार्ड नंबर डाला, उसके बाद मैं 1,00,000 रुपए मनी ट्रांसफर करने का प्रोसेस किया तो उसके बाद हमको चार्ज कितना लग रहा है आपको पता है? 1,300 रुपए। एंड टोटल हमको 1,300 में 1,00,000 रुपया मनी ट्रांसफर हो रहा है हमारे सेविंग अकाउंट में। और ये आपका बैलेंस कब आपके अकाउंट में आएगा पता है? इंस्टेंटली। यानी आपको ज्यादा झंझटबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप एक क्लिक कीजिए, ओटीपी आएगा आपके क्रेडिट कार्ड के द्वारा, ओटीपी फिल अप कीजिए और ट्रांजेक्शन आपका इंस्टेंटली सक्सेसफुल होगा और इंस्टेंटली आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाएगा। सो गाइस कितना अच्छा अपडेट आया है पेटीएम के द्वारा। अगर आपके भी वॉलेट में इस तरह का अपडेट आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप सभी मैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ, तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।